You are watching Poonch Live. वापस करो, जिंदाबाद, 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 वापस करो, वापस करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वापस करो, जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट यूनियन, जिंदाबाद, काला कानून, वापस करो, काला रोड यूनियन, जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट यूनियन, जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट यूनियन, जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट यूनियन, जिंदाबाद। देखो ये जो सरकार ने नया कानून लागू किया है कि 7 साल 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा होगी जो ड्राइवर एक्सीडेंट करके भाग जाता है। कोई ऐसी जगह होती है जहां ड्राइवर को भागना पड़ता है, कोई ऐसी जगह होती है जो जहां से ड्राइवर नहीं भागता है। देखो जहां भी एक्सीडेंट हो जाता है वहां पे अगर ड्राइवर खड़ा होगा तो पब्लिक उसको मारना शुरू हो जाती है। आपने देखा भी होगा मीडिया वालों ने भी कहा कोई एक्सीडेंट छोटा मोटा होता है कि लोग कैसे पिटाई ड्राइवर की करते हैं। जो ये कानून बनाया है, अगर एक ड्राइवर के पास 7 लाख रुपये होता तो ड्राइवर किस लिए करता? अगर वो 10 साल के लिए जेल जाएगा उसे ड्राइवरी करने की क्या जरूरत है? जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं इन्होंने ट्रांसपोर्ट खड़ी कर दी है। ये हमारा पूंछ रजौरी पूंछ डिस्ट्रिक्ट बचा हुआ कि यहाँ पे अभी गाड़ियाँ बंद नहीं हुई है कि ड्राइवरों ने आज हमें बिल्कुल मना कर दिया, हमें गाड़ियाँ नहीं चलानी है। आज भी हमारे हेड ऑफिस से कॉल आई, कॉल के लिए चक्का जाम है। मैं आपकी मीडिया की वसात से कहना चाहता हूँ कि हमें ऑर्डर आ चुका है, कल पूरे जम्मू प्रांत पूंछ प्रांत में चक्का जाम की कॉल आ गई है। हम यही कहना चाहते हैं अपने हुकूमत से कि जो आपने काला कानून लागू किया है इसको वापस ले लो, नहीं तो एक ट्रांसपोर्ट हमारी खड़ी हो चुकी है। एक ड्राइवर गरीब मस्कीन है, 7 लाख अगर उसके पास होता वो 6-7 हज़ार के लिए नौकरी क्यों करता? उसका बाल बच्चा उसको जेल हो जाएगी, उसके बाल बच्चे की तरफ कौन देखेगा? कौन ड्राइवर गाड़ी चलाएगा? मैं ऐसा सोचो बड़ी गाड़ी के लिए कानून हुआ, ये एक बाइक से लेके कार बाइक पर्सनल गाड़ी हो प्राइवेट हो कोई भी गाड़ी है सबके लिए कानून एक जैसा बराबर है। ये नहीं आप सोचो कि ये बसों के लिए ये बना हुआ है, ये ट्रकों के लिए ना, ये बाइक के लिए भी है। आप लगाओ अंदाजा, छोटी बाइक है, बड़ी बसें आती हैं, बिग ट्रक आते हैं, सबके लिए एक जैसा कानून बनाया है। ये कानून की मजम्मत करते हैं हम। जो ये कानून आपने बनाया इसको फौरन वापस ले लो। पूरे ऑल इंडिया आज हमारा बंद है, पूरे ट्रांसपोर्ट ये ड्राइवर यूनियन की हड़ताल है। हमने तब इधर उधर करके इनको समझाया फिलहाल गाड़ियां चलो, इन्होंने भी मना कर दिया हम गाड़ियां अब नहीं चलाएंगे। कल के लिए हमारे जो मैनेजर बस स्टैंड पहुंचे उनकी कॉल है, कल चक्का जाम है, इसलिए लोगों को हम बता दें लोग भी परेशान है, रोडों पर परेशान खजल हो चुके हैं। ये काला कानून वापस लो, हमारी स्ट्राइक वापस हो जाएगी। अब पहले तो हम आपका चैनल का खैर मकदम करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम गवर्नमेंट इंतज़ामिया से ये गुजारिश करेंगे, ये जो इन्होंने कानून बनाया है, देखिए ये कानून जो है ये हमारे खिलाफ़ है, पूरी ट्रांसपोर्ट यूनियन के ख़िलाफ़ है, हर उस ड्राइवर के ख़िलाफ़ है जो ड्राइवरी करके अपने बाल बच्चे की रोज़ी रोटी कमाता है और जो अपना वक्त गुजारा करता है। तो लिहाजा देखिए कोई भी ड्राइवर जो है जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है, लेकिन अगर एक ड्राइवर यहाँ से जा रहा है दूसरा वहाँ से आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो है अगर कहीं हादसा हो भी जाता है फिर भी उसकी पलंटी जो है पूरे ड्राइवर पर पड़ती है, उसके मालक पर पड़ती है। लेकिन ये कानून जो इन्होंने बनाया है ये कानून सरासर गलत है। हम मरकज़ी सरकार से ये गुजारिश करेंगे ये कानून जो है वापस लिया जाए और इस पर नज़रसानी की जाए, क्योंकि इससे हर ट्रांसपोर्टर हर ड्राइवर जो है सफ़र होगा, इसके हक में हम नहीं हैं। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम जो हैं रोज़मर्रा की तरह इसी तरह स्ट्राइक करेंगे और कल को हम रोडों पे आएंगे। बिल्कुल मैं ये बात आपसे कहूँ कि देखिए एक ड्राइवर को जो इन्होंने 7 साल की जो सज़ा रखी है और 10 लाख रुपया जुर्माना रखा है, आप मुझे बताएं ये ड्राइवर कहाँ से लाएगा? उसका परिवार पीछे उसका क्या होगा? उसकी जो बैंकों की किस्तें हैं उनका क्या होगा? ये सरासर गलत है। देखिए ये मरकजी सरकार को ये जो कानून उन्होंने बनाए वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ड्राइवर जो है 10 लाख रुपये कहाँ से भरेगा? वो साल की सज़ा कहाँ से, 10 साल की उसको सज़ा और 7 लाख रुपये कहाँ से भरेगा? वो ये तो सरासर गलत है। तो इसलिए हम गुजारिश करेंगे मरकजी सरकार से, LG इंतजामिया से कि ये जो इन्होंने कानून बनाया है इसको फिल फोर वापस लिया जाए।